हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेयर आपकी फेवरेट सीरियल मेहंदी है रश्मि वाली में। फाइनली अब राघव ने डिसाइड कर लिया है कि वो कीर्ति को जेल नहीं जाने देगा और अपनी बहन को बचाने के लिए राघव खेल खेलता है और उस आदमी को पैसे दे देता है जो कि सच्चाई बताने वाला होता है और उसे कहता है कि तुम्हें राघव का नाम लेना है ना कि कीर्ति का, और वो ऐसा ही करता है। पैसे मिलने के बाद वो उल्टा बोल जाता है और राघव का नाम घसीट लेता है इसमें। तो वहीं पल्लवी सीधा राघव के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में इसका खून किया है, क्या तुमसे वो एक्सीडेंट हुआ था। और पल्लवी खुद भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती है, लेकिन राघव खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देता है। अपने परिवार को और कीर्ति को बचाने के लिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो कीर्ति पर कोई आँच नहीं आने देगा, और उसको बचाने के लिए राघव खुद ही कबूल कर लेता है ये एक्सीडेंट कि उसके हाथों ही एक्सीडेंट हुआ है, और पुलिस उसे ले जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया पल्लवी को घेर लेती है और कहती है कि क्या आपके पहले पति के कातिल आपके अभी हस्बैंड हैं राघव राव, और पल्लवी मीडिया में घिर जाती है। लेकिन पल्लवी वहाँ पर कोई जवाब नहीं देती। अब पल्लवी को भी कहीं ना कहीं पता है कि राघव झूठ बोल रहा है, और यहाँ पर पल्लवी राघव से सच जानने की कोशिश करेगी और उससे कसम देगी कि उस समय सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आखिर क्या है वजह। लेकिन राघव बिल्कुल भी ये सच बताने को तैयार नहीं होगा और उसको कसम खाने से भी मना कर देगा। और फाइनली राघव ये सच्चाई नहीं बताता, लेकिन पल्लवी अब कीर्ति की हरकतों से पहचान जाएगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, और अब पल्लवी सच्चाई जानने की कोशिश करेगी आखिर इसके पीछे है कौन। और यहाँ पर पहुंचेगा मंदार जल्द ही, और यहाँ पर राघव को बचाने में मंदार अब जब रियल लाइफ में लौट कर आ जाएगा तो पल्लवी अब राघव को बचा ही लेगी। अब यहाँ पर मंदार की एंट्री ही राघव को बचा सकती है, क्योंकि राघव ने तो अपने आप ही ये सारी सच्चाई कबूल कर ली है। लेकिन पल्लवी इस बात मानने को तैयार नहीं होगी कि एक्सीडेंट राघव के हाथों हुआ है, और ऐसा ही होगा जब मंदार लौट कर आएगा तो पल्लवी को सारी सच्चाई पता चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कीर्ति भी बच जाएगी, क्योंकि अब इल्ज़ाम उस पर नहीं आने वाला है, क्योंकि मंदार तो जिंदा लौट आता है लेकिन एक्सीडेंट तो कीर्ति के ही हाथों हुआ है। ये सच्चाई जल्द ही पल्लवी के सामने आएगी।